तो मैं करता हूँ, तुम मैच कर देते हो। फिर हो गया वो तो आंसर का तो सही होगा ना, तो 94 में आ जाएगा ना, 94 इधर मैं तो देखो थोड़ा पहले एन को वन डालना है सही प्लेइंग करो बस तो अगेन कर लेते हैं तो सर अब 20 क्वेश्चन से टारगेट है तो सर टारगेट पूरा नहीं होगा ना। देखो एक बार कवर छोड़ रहे हैं, n को 1 डाला ऐसे डाला हुआ 10 की पावर n की जगह 1 प्लस 3 इनटू 4 की पावर, अगर 1 यहां पर डाला तो 1 प्लस 2 होगा 3 और प्लस 5, 10 की पावर 1 10 होता है प्लस 4 का क्यूब होता है 64 इनटू 3 करा तो 192 और फिर प्लस 5 तो इस सारा आंसर आ गया 207, वो 9 से डिविजिबल है। This statement is true for n is equal to 1. ठीक है, 1 पे ये आगा सब कर। अब क्या लिखते हैं? Let us assume, क्या लिखेंगे? Let us assume कि this statement is true for n is equal to k. क्या हुआ k डाला तो बताओ? N की power n की जगह k plus 4 की power k plus 2 plus 5 is divisible by 9. So it is in the form of 9. अब using this we have to prove that it is true for n is k plus 1. क्या हुआ k plus 1 डाला तो 10, n की जगह k plus 1 plus 3 into 4, n की जगह k plus 1 और plus 2 और plus 5. power में कभी add मत करना, मैंने देना जैसा है, 3 मत लिख देना गड़बड़ हो जाएगी। अब इसमें यहाँ पर क्या था हमारे पास बताओ, 10 की power k into में 10 की power 1, ठीक लिखा इसको प्लस यहाँ पर 4 की पावर ये होना चाहिए। लक्ष्य एक मिनट देख लो, लक्ष्य एक मिनट देख लो फिर बात में कर लो। यहाँ पर क्या है 4 की पावर, तो 4 की पावर k प्लस 2 अगर करा तो इनटू में 4 की पावर 1 और इनटू में 3, ठीक है करने हमने 3 एज इट इज लिख दिया, इसको ब्रेक करा 4 की पावर k प्लस 2 इनटू 4 की पावर 1 फिर प्लस 5। अब एक की वैल्यू रखना होता है तो किसी एक की वैल्यू रख दो, हम तो इसकी वैल्यू रखते हैं ज्यादातर है ना। बताओ क्या लिखेंगे पहले, 10 की पावर 1 को तो 10 ही करते हैं इनटू में इस पार्ट को हटा कर क्या लिखा हमने 9n और क्या लिखा माइनस 3 इनटू में 4 की पावर k प्लस 2 और माइनस 5, ऐसे लिखोगे ना भाई। इस पार्ट की वैल्यू निकालना है तो ये पार्ट प्लस है तो इधर जाकर माइनस एज इट इज 3 इनटू दिस और माइनस 5, ये तो इसकी जगह रखा फिर प्लस, इसको क्यों ना 12 लिखते हैं, लिख सकते हैं 12 क्योंकि 3 इनटू 4 की पावर 1 ये चीज तो 12 होती है तो इसकी जगह 12 इनटू 4 के प्लस 2 और प्लस 5, ठीक है। अब पहले 10 से इसको करा तो ठीक है 90m हो गया माइनस, फिर 10 से इसको करना है -30 हो जाएगा ना क्योंकि 10 into 3 into this तो 30 into 4 k plus 2 फिर हो जाएगा -50, बाकी जो भी है लिख दो as it is। अब बताओ उससे next step पे कौन कौन सी line drawn है, ये तो अकेली है 90 है, हाँ k plus 2 ये भी है और ये भी है ना, इन दोनों में से ये -30 टाइम है और 12 टाइम है, माइनस से ज्यादा है कितने टाइम 18 टाइम 4 की पावर k प्लस 2 और इन दोनों डिजिट्स में ये फाइनल आंसर आ गया। इसमें से 9 कॉमन ले लो क्या बचा 10 m माइनस 2 इनटू 9 2 इनटू 4 k प्लस 2 माइनस 5। इस आंसर के बारे में कह सकते हैं ये जो भी आंसर आया वो डिविजिबल है 9 से, अगर ऐसा है तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी से k प्लस 1 आंसर, हेंस इट इज ट्रू फॉर एनी अदर। जाए तुम्हारा सब यस सर, समझ आ गया आपको पक्का भाई? सर एक डाउट है सर, मैंने वहाँ पे 3 इंटू 4 इस पावर 1 इंटू 4 इस पावर k प्लस 2 भी लगा, 3 इंटू 4 k प्लस 1 ब्रैकेट प्लस 2 लिखा है तो होगा ना। यहाँ पर क्या है इसमें क्या है k प्लस 2 तो k प्लस 2 जरूर लिखना है। अच्छा अगर यहाँ k प्लस 1 होता तो k प्लस 1 लिखते, इसके हिसाब से चलना है। 10 की पावर k होना चाहिए, हमने 10 की पावर k ले आए थे ना, 4k plus 2 4k plus 2। अब बताओ n is equal to k के लिए क्या हुआ यहाँ आंसर बताओ, बताओ क्या हुआ n is equal to k के लिए k डाल दो 10 की पावर k plus 3 into 4 n की जगह k plus 2 plus 5 divided by 9 तो क्या हो गया 9 है। Using this we have to prove that it is true for n is k plus 1। अब बताओ क्या करना है, पहले सिंपली n की जगह k plus 1 डाल के ध्यान से लिख देना जो भी आंसर है, 10 की पावर n को हटाकर k plus 1
प्लस थ्री इंटू फोर एम को हटाया तो के प्लस वन प्लस टू प्लस फाइव, इसमें क्या है वो लाना है, क्या है इसमें टेन की पावर के तो इंटू टेन की पावर वन, इसमें ये चीज क्या है यहाँ पर, क्या है यहाँ पर फोर की पावर के प्लस टू चाहिए तो प्लस, पहले थ्री तो हमने एज इट इज लिख दिया इंटू में फोर की पावर के प्लस टू चाहिए था इसीलिए करा इसको k प्लस टू अलग करा तो इंटू में फोर की पावर वन फिर प्लस फाइव। अब क्या करा हमने सर वो टेन की पावर वन को हम टेन ही समझते हैं कि टेन है ये तो टेन इंटू में इस पार्ट को हटा दो क्या लिखी इस पार्ट की जगह नाइन एम लिख दिया और माइनस थ्री इंटू फोर की पावर के प्लस टू और माइनस फाइव फिर आगे प्लस यहाँ पर आगे हम इस चीज को क्या समझ सकते हैं क्या है ये चीज 3 इंटू 4 की पावर 1 तो 4 होता है इंटू ये तीनों को मल्टीप्लाई करें इन दोनों को तो कर ही सकते हैं 3 इंटू 4 क्या होता है 12 इंटू में 4 की पावर k प्लस 2 और प्लस 5। अब देखो 10 से करा फर्स्ट पार्ट हो गया 90 एम लिख दिया हमने माइनस 10 से इसको करा 10 3 या 30 इंटू में 4 k प्लस 2 और माइनस 50 प्लस 12 टाइम 4 k प्लस 2 और प्लस 5 ठीक है ना। अब बताओ क्या करा हमने 90 m तो लिख दिया एज इट इज ये दोनों लाइक टर्म है ये और ये है ना किस चीज से ज्यादा है माइनस से ज्यादा है 18 टाइम ये वाला पार्ट माइनस 18 टाइम 4k प्लस 2 और क्या है माइनस का 45 फाइनली क्या कॉमन लिया 9 ब्रैकेट में यहां पर 10 है माइनस 2 5 के इनटू में 4k प्लस 2 माइनस ये फाइनल आंसर आ गया। हम कह सकते हैं जो भी आंसर आया वो डीजल बाय 9 है अगर ऐसा है तो दिस स्टेटमेंट इज प्रूफ फॉर एनी इज k प्लस 1 हेंस इट इज प्रूफ फॉर एनी अदर नेचर। बस यही पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है पक्का का समझ यस सर। वो थोड़ा सा टफ लेवल का थोड़ा सा हम तुम ही बताओ भी कैसे करना है एक बार सोच समझ के बताना है करना नहीं किसी ने समझ लो पहले एक बार ये थोड़ा उतारने में गलती होती है एक्चुअली ये प्लस में है पावर यहाँ ये आंसर डीजल बाय 133 प्रूव करना है इट हैज टू बी डीजल बाय दिस। सबसे पहले ध्यान से एन को क्या रखना है 1 बताओ एन को अगर 1 रखा तो ये हुआ 11 की पावर 1 प्लस 2 व्हिच मींस 3 प्लस 12 की पावर अगर 1 डाला तो 3 11 का क्यूब क्या होता है 1 तो एक रूल है कि क्यूब कॉमन लेकर 11 × 12 = 132 तो ये होता है लेकिन इससे बेस अलग प्लस है बीच में प्लस का कोई रूल नहीं है प्लस में ज्यादा करो तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इतना मोल लगाएगा डायरेक्ट 11 का क्यूब लिख दो इनको ऐड करके आंसर ठीक तो 1 के लिए तो स्टेटमेंट ट्रू है ना। अब बताओ क्या लिखेंगे लेट अस अज्यूम कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k k डाल दो पहले 11 की पावर k प्लस 2 प्लस 12 की पावर 2k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 133 सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 133 m। अब यूजिंग दिस वी हैव टू प्रूव दैट इट इज ट्रू फॉर अब बताओ क्या करना है 11 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 प्लस 12 की पावर 2 n की जगह k प्लस 1 और फिर प्लस 1 पावर में है कई बार ये लिख देते हैं गलती होती तो 11 की पावर क्या चाहिए हमको भाई बताओ k प्लस 2 और कुछ नहीं चाहिए सिर्फ 11 की पावर k प्लस 2 इनटू में 11 की पावर 1 प्लस 12 के ऊपर क्या चाहिए हमको पहले इसको मल्टीप्लाई करा क्या होगा 2k प्लस 2 प्लस 1 3 में लिखना 2k प्लस 2 प्लस 1 देने तो हमको क्या चाहिए यहाँ पर 2k प्लस 12 की पावर 2k प्लस 1 तो यहाँ पर लिखा इनटू में 12 की पावर अब बताओ क्या करना है बताओ 11 की पावर 1 तो 11 ही हो गया मल्टीप्लाई में इस पार्ट को हटा रहे हैं इस पार्ट को हटा रहे हैं इसकी जगह हो गया 133 है माइनस 12 की पावर k प्लस ये आएगा आगे क्या लिखना है प्लस 12 की पावर 2k प्लस ठीक है सही लिखा है प्लस आगे 12 का स्क्वायर तो पता है क्या होता है 12 का स्क्वायर 144 इनटू में 12 की पावर 2k प्लस 1
अब देखो इससे मल्टीप्लाई मत कर लिख देना, बस 11 इनटू में 133 इनटू m ये हो गया माइनस 11 टाइम 12 की पावर, ऐसे लिखोगे ना, क्योंकि 11 इनटू 12 नहीं कर सकते, पावर सेम नहीं है, तो दिस इनटू दिस, तो 11 इनटू दिस और प्लस 144 टाइम। अब बताओ फर्स्ट में तो कुछ कर नहीं सकते, 11 इनटू 133 क्या ये दोनों लाइक टर्म है? नहीं है, क्यों लाइक टर्म है? जो ये है वही है ना, कॉमन ले लो, ये क्या बचा है कॉमन है, प्लस का जा रहा है, ये वाले जा रहा है 133 टाइम 12 की पावर 2 के प्लस, अब 133 कॉमन लिया लेकिन 11 है प्लस 12 की पावर 2 के प्लस 1, इस आंसर को क्या कह सकते हैं, डिविजिबल है किससे, इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, n इज ट्रू फॉर एनी अदर नंबर। तो क्या लिखें पहले n को 1 पर, तो ठीक है आंसर आ गया, फिर k क्या हुआ, मैंने 11 की पावर k प्लस 2 प्लस 12 की पावर 2k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 133, सो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 133। अब क्या लिखना है, यूजिंग दिस, इसी की हेल्प से हमको प्रूव करना है कि ये स्टेटमेंट k प्लस 1 के बराबर होगा, बताओ क्या लिखेंगे, 11 की पावर k प्लस 1 प्लस 2 है ना, प्लस 12 की पावर 2 लिखना है पहले, फिर n को हटाकर k प्लस 1 और प्लस 1, ये क्या चाहिए हमको यहाँ पर, बताओ क्या चाहिए, इसको फॉलो कर लो, 11 की पावर k प्लस 2, तो k प्लस 2 यहाँ पर लिखा इनटू में 11 की पावर 1, ये तो हो गया प्लस, यहाँ पर ये चाहिए हमको 12 के ऊपर, यहाँ पर क्या है वैसे 2k प्लस 2 प्लस 1 है यहाँ पर, तो लेकिन हमको क्या चाहिए 12 के ऊपर, 12 के ऊपर ये चाहिए 2k प्लस 1 चाहिए, तो लिख दिया हमने 2k प्लस 1 इनटू 12 का स्क्वायर, अब क्या लिखा हमने 11 के पावर 1 तो 11 ही होता है, इसको मल्टीप्लाई करना है किस पार्ट से, किस पार्ट से 133m माइनस 12 की पावर 2k प्लस 1, अब क्या लिखेंगे आगे प्लस, ये लिख दिया 12 का स्क्वायर तो क्या होता है 144, इसके साथ मल्टीप्लाई में है 12 की पावर 2k प्लस 1, अब देखो 11 से इसको टाइम वेस्ट मत करो, 11 इनटू 133 इनटू m माइनस 11 को इससे करेंगे क्या आएगा 11 इनटू दिस थिंग 11 12 की पावर 2k प्लस 1 और प्लस 144 टाइम्स 12 की पावर 2k प्लस 1, अब क्या करा आपने लेकिन ये दोनों तो लाइक टर्म है, किस चीज के ज्यादा है, प्लस के ज्यादा है, 133 टाइम है 12 की पावर 2k प्लस 133 कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 11 और n प्लस 12 की पावर 2k प्लस 1, क्या कह सकते हैं इस आंसर को, ये आंसर फिजिकल है किससे, अगर ऐसा है तो this statement is true for n is equal to k plus 1, hence it is true for any other natural number, पक्का कर सको सर, yes sir, किसी को doubt हो बता दिया करो, सर्वाय मत करो, next ये स्टेटमेंट है, बताओ सबसे पहला रूल क्या होता है, सिंपली जहां भी n आए वहां पर 1 डाल दो, पहले क्या आएगा 1 डाला तो 7 की पावर, यहां पर 1 डाला तो 2 1 जा 2 हो गया प्लस 2 की पावर क्या हुआ भाई, 2 की पावर क्या बचेगा, n को 1 डाला माइनस 1 बचेगा, टू की पावर थ्री एन तो नहीं है, ये थ्री है यहाँ पर, चलो बताओ क्या हुआ, एन को वन डाला तो जीरो तो वन हो गया, क्या हुआ थ्री डाला तो थ्री माइनस थ्री तो टू की पावर जीरो आएगा, थ्री की पावर क्या डाल रहे हैं एन को, वन डाल दो एन को, वन माइनस जीरो
सेवन का स्क्वायर क्या होता है 49 + 1 × 1 = 50 क्या ये आंसर रीजन है 25 यस इसका मतलब क्या हुआ कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1 अब बताओ क्या हुआ k डाला तो 7 की पावर 2k प्लस 2 की पावर 3k माइनस इसका मल्टीप्लाई में है इसका 3 की पावर k माइनस 1 क्या k के लिए अज्यूम कर रहे हैं इसका मतलब k डालने पर जो आंसर आया वो 25 से डिविजिबल है तो 25 है using this we have to prove that it is true for n is k plus 1 क्या लिखेंगे 7 की पावर 2 n की जगह पर k plus 1 प्लस 2 की पावर 3 n की जगह k plus 1 माइनस 3 और मल्टीप्लाई में इसके साथ मल्टीप्लाई में 3 की पावर n को k plus 1 डाल दे तो k plus 1 और माइनस 1 ये काटना मत पावर कभी चेंज मत करो प्लस 1 माइनस 1 वैसे 0 होता मत लिखो यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 की पावर क्या हो गया प्लस 2 की पावर क्या हो गया हम नहीं काटेंगे इसमें 3 की पावर हाँ तो अच्छा बताओ क्या करना चाहिए आपको हम इससे मैच करना चाहिए जो ये वाली है इससे मैच करना है यहाँ पर क्या है 7 की पावर तो 7 7 स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो 7 का उससे मल्टीपल इसको देखो 2 की पावर क्या है हो सकते हैं ना अलग ये 2 की पावर 3k माइनस 3 इनटू में 2 का क्यूब अगर 2 का क्यूब अलग इसको भी देखना पड़ेगा इनटू में 3 की पावर k माइनस 1 इनटू 3 की पावर 1 है ना अब क्या करा 7 का स्क्वायर को क्या कहते हैं 49 मल्टीप्लाई में इस पार्ट की वैल्यू डालो क्या इसकी वैल्यू यहां से 25m माइनस 2 की पावर 3k माइनस 3 इनटू में 3 की पावर माइनस 1 अब लिखना है प्लस लिख दिया ये क्या होता है 2 का क्यूब 8 और इनटू में इनटू 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 सारे इनटू है तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं ना 24 8 इनटू 3 क्या होगा 24 टाइम्स 2 की पावर 3k माइनस 3 इनटू 3 की पावर k माइनस 1 अब इसको इससे करा वैसे लिख दो 49 को इससे करा क्या आएगा 49 इनटू आएगा इसके साथ 49 टाइम हो जाएगा ये जो भी चीज है 49 टाइम हो जाएगा 49 टाइम ये वाला आंसर 2 की पावर 3 के माइनस 3 इनटू 3 की पावर के माइनस 1 प्लस 24 टाइम है अब क्या करा आपने बताओ देखो ये तो कुछ कर नहीं सकते तो ऐसे ही रहेगा 49 × 25 × n ये और ये जो ये है वही तो ये है राइट टर्म में तो किस चीज के ज्यादा दिखते हैं माइनस 15 25 क्योंकि ये 49 है 24 है माइनस के ज्यादा है 25 टाइम क्या 25 टाइम 2 की पावर 3 के माइनस 3 अब क्या करें इन दोनों में से 25 यहां पर क्या बचा 49 और n माइनस 2 की पावर 3k माइनस 3 क्या कह सकते हैं इस आंसर के बारे में कि ये आंसर डिविजिबल है इसका मतलब फॉर के दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी k प्लस 1 हेंस इट इज ट्रू फॉर एनी अदर नेचुरल अब बताओ क्या करना पहले इनको 1 डाल दोगे 1 डालने पर आंसर आया 50 50 डिविजिबल बाय 25 स्टेटमेंट इज Let us assume it is true for n is equal to k. बताओ क्या लिखेंगे? 7 की पावर n की जगह k plus 2 की पावर n की जगह k डालना है 3k minus इसके साथ मल्टीप्लाई में है जो भी आंसर है 3 n की जगह k minus और k डालने पर हम क्या करते हैं इसे assume करते हैं तो ये जो आंसर है ये आंसर 25 से 25 इसको यूज करना है इसी को यूज करके यूजिंग दिस वी हैव टू प्रूव दैट सेम स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर अनदर नंबर n इज इक्वल टू k प्लस 1 बताओ k प्लस 1 डालें क्या आएगा 7 की पावर 2 पहले डाल दो n को हटाया क्या लिखा k प्लस 1 उसके बाद लिखा प्लस फिर लिखा 2 की पावर 3 क्या डाल दें को हटाकर k प्लस 1 और याद रखना माइनस 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में है 3 की पावर क्या डाल दें इनकी जगह k प्लस 1 और माइनस 1 ये कैंसिल मत करना गलत हो जाए क्या लिखा था हमने 7 की पावर 2k और प्लस 2 ठीक है
plus 2 की पावर 3 k plus 3 plus 3 minus 3 into by 3 की पावर k plus 1 minus 1. अब जो नेक्स्ट स्टेप ये इंपॉर्टेंट है, बताओ क्या करना है. इसमें क्या है, 7 की पावर 2 k है, तो 7 की पावर 2 k into 7 का स्क्वायर प्लस, यहां पर 2 की पावर क्या होना चाहिए, क्या है है हमारे पास आ गया 2 की पावर 3 के माइनस 3 और 2 के प्लस जाएगा इनटू में मल्टीप्लाई में इनटू में 2 का इनटू 3 के माइनस 5 इनटू 3 की पावर k माइनस 1 लिख दिया, और भी लिखना पड़ेगा इनटू में 3 की पावर k माइनस 1 लिखा 3 की पावर 1 और इनटू में आ जाएगा. अब क्या करा हमने 49 का स्क्वायर को क्या लिखते हैं 49 इस पार्ट को हटा कर क्या लिखना है, इस पार्ट को हटा कर 25 माइनस 2 की पावर 3 के माइनस 3 इनटू 3 की पावर k माइनस 1 और क्या लिखा हमने आगे प्लस, बताओ क्या लिखा 24 कैसे वर 24 क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है 8 दिस इनटू दिस इनटू दिस इनटू दिस ये दो तो मल्टीप्लाई हो सकते हैं 3 जा 24 टाइम 2 की पावर 3 के माइनस 3 इनटू 3 की पावर k माइनस. अब इसको इससे करा क्या आएगा 49 इनटू में 25 इनटू m माइनस 49 को इससे करा क्या आएगा 49 टाइम हो जाएगा जो भी ये चीज है 2 की पावर 3 के माइनस 3 इनटू 3 जो भी ये टाइम इसको 49 से करा तो 49 टाइम्स हो गई है प्लस 24 टाइम दोबारा यही चीज अब क्या करा हमने ये तो एज इट इज तो क्या लिखा इन दोनों में से किसके ज्यादा राइट टर्म आई नहीं है -23 क्योंकि ये अगर कॉमन भी लिया तो क्या बचा यहां पर -49 प्लस 24 तो माइनस के ज्यादा 25 टाइम जो कॉमन लिया ये और फाइनली क्या कॉमन लेना है अब हमको 25 क्या बचा यहां पर 49 माइनस 2 की पावर व्हाट वी कैन से अबाउट दिस आंसर ये आंसर इज इक्वल टू 5 अगर ऐसा है तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एनी इक्वल टू k प्लस 1 हेंस इट इज ट्रू फॉर एनी अदर इसे ऐसे कर देंगे इस
इसमें ज़्यादा वास्ट है थोड़ा सा। हमारे सर की भी चार ही क्वेश्चन थे इस टाइप के, हमने तो 20 क्वेश्चन करेंगे इस टाइप के, तो आरटी शर्मा एग्जाम तो सब कुछ कवर हो जाएगा। मानो आपका लाओ एक फाइल सर्कल पे 650 ला सकता हूँ तो एक्स की आइटम से ला रहा हूँ। अब फ्राइडे हम जिसे भी किए सैटरडे को भी आ जाना, सैटरडे को मैं 2 बजे आ जाता हूँ यहाँ पर। मैं तो 2 बजे आता हूँ सैटरडे को। फिर तू पहले अपने टेस्ट की तैयारी कर लो पहले, जो तुम्हारा टेस्ट है ना पहले उस पर फोकस कर लो कि वो जो चीज़ है वो परफेक्ट कर लो, जो नहीं आए घर करो प्रैक्टिस मेरे से पूछो। और तो किसी का टेस्ट नहीं है ना अभी नज़दीक, अर्चना आपका तो छुट्टियों के बाद होगा, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं, छुट्टियों में तो काफ़ी कुछ कवर हो जाए। किसी का और टेस्ट तो पहले एक हफ्ते पहले बता दिया करो मेरे को ताकि उस पर फोकस कर दिया। जो भी कहोगे उसी की वीडियोज है हमारे पास, तो सीक्वेंस सीरीज में एपी देख लो, एपी की जीपी जो भी देख लो सबकी वीडियोज भी है, आ जाएगा उससे समझ कोई दिक्कत नहीं। और तुमको फॉर्मूला अप्लाई करना आता है बेसिक सब चीज़ आती है कोई दिक्कत नहीं। सिंपल है तो एक सेंस जो पिछले 2 क्वेश्चन के उससे तो थोड़े लोअर लेवल का ही है सर। लोअर सर कैलकुलेशन इसमें तो नहीं है, कैलकुलेशन भी नहीं है इसमें ज़्यादा।